जीवनधारा संघ संस्था ने 30 साल से बंद पड़ा आर्य रुग्णालय जो गोरेगांव पूर्व में है उसे पूरी तरह से चालू करने के लिए 2 साल से संस्था संघर्ष कर रही है। आर्य रुग्णालय को शुरू करने के लिए 20 अप्रैल को 11 बजे से आर्य कॉलोनी 5 नंबर सर्कल पर संस्था का रास्ता रोको आंदोलन होना था, लेकिन शुरू होने से पहले आर्य कॉलोनी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर डोम्बे ने हस्तक्षेप करके आर्य कॉलोनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष दलवी से संस्था के पदाधिकारियों को मिलाकर संस्था का प्रस्ताव रखा, जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रस्ताव माना और बताया मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार को ये प्रस्ताव आगे भेज दिया जाएगा, जिसके लिए जीवनधारा संघ की रास्ता रोको आंदोलन को रोकने उन्हें प्रस्ताव और हॉस्पिटल जल्द चालू करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरफ से पत्र भी दिया गया। इस मुद्दे की शुरुआत करने वाली महाराष्ट्र प्रदेश युवती सचिव सरिका नायडू, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे और इसमें मुख्य रूप से सहयोगी लॉरेंस जताना भी मौजूद रहे। वही गोविंद पांडे ने कहा अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 मई को आर्य रुग्णालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक हॉस्पिटल के लिए आरोग्य मंत्री नारियल नहीं तोड़ेंगे तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। तो मेरे एनजीओ को जगह दे दो, जब तक आप लोग नहीं चालू करते ना वो हॉस्पिटल के डॉक्टर जितने भी नर्स जो भी चीजें लगती है वो हम लोग खर्च करेंगे। आपका एनजीओ कौन रहेगा? प्रस्ताव शासन को भेज देते हैं। हाँ ले देते हैं। इसका मतलब अभी आप ऐसे बोल रहे थे इसका मतलब और प्रोसीजर बड़ा है? नहीं, वो तो प्रोसीजर ही है। मुझे राइट नहीं है कि मैं तुरंत आपको ये छोटा दूं। मैं आप मुझे मेरा पेन मालूम तो मैं दे सकता हूँ, शासन की जगह शासन की तरफ जो निर्णय है वो दे। शासन क्यों नहीं दे रहे बीएमसी को जगह? दे देंगे ना, मीटिंग होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि शासन में भी एक आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो हमारी लोकशाही है उस हिसाब से सब निर्णय होके उसको हैंडओवर होगा, जिसमें प्रोसीजर में टाइम जाएगा थोड़ा सा। सरिका जी क्या कहना चाहेंगे? आज आंदोलन था, आंदोलन के बजाय आज आप लोग यहाँ ऑफिस में लेटर देने आए, क्या पूरा मामला है? हमें आर्य प्रशासन और शासन ने निवेदन किया कि हम रास्ता रोको आंदोलन ना करें। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक डिवाइड की गई है, रास्ते का काम चालू है, इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए हम लोगों ने उन लोगों का मान रखते हुए यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ऑफिस में आके हम लोगों ने निवेदन दिया है और उन्होंने भी हमें लिखित में दिया है कि बहुत जल्दी हॉस्पिटल बना के मिल जाएगा, पब्लिक की सुविधा में चालू किया जाएगा। ये पूरा मामला कितने सालों से चल रहा है? इस हॉस्पिटल की दुरुस्ती के लिए कितने सालों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन द्वारा क्या क्या अब तक आप लोगों को आश्वासन मिला या किसी तरीके की चीज़ें की गई हैं इनकी तरफ से? ये हॉस्पिटल के लिए हम पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। जब हमारे गोविंद क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। आज आंदोलन था, आंदोलन की बजाय लेटर देने सीईओ ऑफिस आप लोग पहुंचे हैं, किस तरीके का प्रशासन द्वारा आप लोगों को कोई फोर्स था या क्या पूरा मामला था? देखो, हम लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन किया था आर्य हॉस्पिटल के लिए, तो आज हम 11 बजे से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कल हमारे सीनियर साहब ने, जो डोम्बे साहब है आर्य पुलिस स्टेशन के सीनियर, उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि मतलब आप जिस लिए आंदोलन कर रहे हो उसमें हम बीच में मध्यस्थी करके आपको सीओ से मिलवाते हैं और जो भी आपका मकसद है हॉस्पिटल के लिए वो हम लोग बात करते हैं उस पर और कोई हल निकालते हैं, क्योंकि आर्य में बहुत सारी जगह रोड का काम चालू है, ट्रैफिक डिवाइड की गई है ऑलरेडी, यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आप लोग रास्ता रोको आंदोलन मत करो। तो आज फिर इसके लिए हम लोगों ने, हमारी टीम तो रेडी थी रास्ता रोको आंदोलन करने के लिए, लेकिन साहब ने वापस हमको लेके आए यहाँ पे, सीओ साहब से मिला जो सुभाष दड़वी जी है यहाँ के सीओ, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकेगा और लेटर भी लिखित में दिया है कि हॉस्पिटल का हम काम चालू करवाएंगे। लेकिन कैसा ये चीज़ें 2021 में हम लोग जब 11 नवंबर को अमरन उपोषण पर थे तो ज्योति देसाई जो यहाँ के सीनियर थे उन्होंने भी यही चीज़ें किया था। 6 महीने के बाद बोला था सीओ ने कि हम 6 महीने बाद ये हॉस्पिटल बना के देंगे, लेकिन ये वहाँ पे भी गुमराह किया गया। फिर एक दिन हम लोग आज़ाद मैदान में 9 जनवरी 2023 को आज़ाद मैदान में हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़ा सा जो निकला है कि मतलब पहले हॉस्पिटल आधे घंटे चालू होता था ओपीडी, लेकिन अभी 3 से 4 घंटे ओपीडी चालू होता है। लेकिन ये हॉस्पिटल हमको कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में ना तो खिड़की है ना तो दरवाजे, बहुत वहाँ पे ड्रग्स या क्या चलता है यहाँ पे हम लोग कुछ जज भी नहीं कर सकते, बहुत सारी बड़ी घटनाएं भी हो सकती है उसमें।
रेप जैसी वारदात हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल बने पब्लिक का मुद्दा है। क्योंकि अगर ये मतलब इतना बड़ा मुद्दा है कि हजारों जाने जा चुकी है जब से हम लोग खुद फॉलोअप करें तब से, तो ये चीज़ें हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके बने यही हम लोग उम्मीद करते हैं। जिस तरीके से आज कहा गया केवल आश्वासन जो है इतने सालों से दिया जा रहा है, अगर फिर से उसी तरीके का आश्वासन मिले, अगर कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, तो आप लोग अपनी तरफ से क्या अगला कदम उठाने वाले हैं, या जो इन्होंने समय दिया है अगर उस समय पे काम पूरा नहीं होता तो अगला कदम क्या उठाएंगे? देखो, वो समय दे सकते तो उनको समय हम भी दे सकते, क्योंकि वो हमसे है, हम उनसे नहीं है। तो और ये हम पब्लिक का मुद्दा है, तो हॉस्पिटल आर्य कॉलोनी अगर ये 30 दिन में अगर इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया तो 20 मई को हम लोग आमरण उपोषण पर हॉस्पिटल के बाहर बैठेंगे। और जब तक कोई नेता यहाँ पे हॉस्पिटल का नारियल तोड़ेगा नहीं आके और हॉस्पिटल का काम नहीं चालू होगा, तब तक हम लोग हॉस्पिटल में उठेंगे नहीं। क्योंकि अगर हजारों जान जाने से अच्छे अगर एक गोविंद पांडे शहीद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिका जी, आप क्या कहेंगे? मैं गोविंद पांडे जी के साथ जाना चाहूँगी। हमारे एनजीओ ने इतने संघर्ष किए हैं, दो दो बार उपोषण किए हैं, रास्ता रोको आंदोलन के लिए इतना ट्राई किया है हम लोगों ने, लेकिन सिर्फ ये शासन और प्रशासन उल्लू ही बनाए जा रहे हैं। हाथ कुछ नहीं आ रहा, बस एक पेपर और एक पेपर। खाली पेपरों से ये हॉस्पिटल शुरू नहीं होगा, इसके लिए खड़े रह के ज़रूर कोई एक ठोस डिसीजन उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमारी संस्था एकदम तत्पर तैयार है।